शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। आज का शो भी बड़ा खास है और आज हमने इमरजेंसी में इस शो को तैयार किया। उसकी वजह ये थी कि हर तरफ जो बात हो रही है आज वो एक ही बात हो रही है, वो है COVID-19 की वैक्सीन की। खुसूसियत के साथ ऑस्ट्रेलिया में जहां हम बैठे हुए हैं NSW सिडनी, और जहां पे बहुत शदीद लॉकडाउन है, और हमारे बहुत सारे रिश्तेदार जो हमें अपने अपने मुल्कों से देख रहे हैं और परेशान हैं कि हम लोगों का क्या कैफियत है, क्या हाल है, तो उनको हम दिखाते हैं कि हमारा ये हाल है कि हम कहा जाए बजाय तो हम कह दें, लेकिन अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें अता की हैं, तो हम इस पे पॉजिटिव साइड पे बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, और वो टॉपिक है कि इम्पॉर्टेंस क्या है वैक्सीनेशन की, और जो एक वहम है, गलत फहमियां हैं, जनरल पब्लिक उसके बारे में क्या ओपिनियन रखती है। लेकिन मैंने आप सबकी मालूमात के लिए अपने दोस्तों में से, अपने बेहतरीन जो मेरा एक सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, उसमें से अपनी हर दिल अजीज, बल्कि हम सबके हर दिल अजीज, वन एंड ओनली अलमास मुनव्वर को बुलाया है। अलमास, कैसी हो? बहुत शुक्रिया शफक मुझे बुलाने का और अपॉर्चुनिटी देने का बात करने के लिए वैक्सीन के लिए। एक्चुअली ये जब से डेल्टा वेरिएंट आया है, एंड आई वाज लाइक मैं प्रिडिक्ट कर रही थी ये चीज़ होगी और कि वैक्सीन की किल्लत होगी और लोग परेशान होंगे जब इंडिया में वेरिएंट। हम वन बाय वन जो है ना सारी चीजों पर बात करेंगे। पहले हम आपका तारुफ तो कराए ना कि हमारे साथ बैठी कौन शख्सियत है। अच्छा, अलमास मुनव्वर जो है वो जो बाय प्रोफेशनल एक इंजीनियर है और इस वक्त चाइल्ड केयर इंडस्ट्री से वाबस्ता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रहती है, मेरी बहुत अजीज दोस्तों में से है। बल्कि समझे कभी कभी ये जो है ना बड़ी बहन का रोल करती है, कभी माँ का रोल करती है, कभी दोस्त का रोल अदा करती है, कभी हमें डांट के प्यार भरी डांट से समझाती है, क्योंकि मैंने इनको वैसे कभी गुस्से में नहीं देखा, बहुत ही मुस्कुराती हैं और हर एक का दुख दर्द जो है वो अपने दिल में महसूस करती हैं। और सब, और दूसरी बात ये कि ये भी बता दो उनका ताल्लुक इंडिया से, तो ये कोई लोग ये ना समझे कि हम दोस्त जो है सिर्फ पाकिस्तान से बनाते हैं, हम इंडिया के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अच्छा, अलमास का को यहाँ बुलाने का जो अहम सबब था वो ये था कि वो उन खवातीन में से हैं कि जिन्होंने सबसे पहले हमारे सर्कल में डिसीजन लिया कि उनको मैं च्युइंगम निकाल ही दूंगा, कि उनको वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। मतलब हम सब जो है डरे हुए थे, बहुत सारे वहमात का शिकार थे, तो हम तो पहले इस ब्रेव खातून से ये भी पूछेंगे डिसीजन कैसे लिया उन्होंने। दूसरा, ये वो है जो सबको मोटिवेट भी करती रही और लिंक्स भी भेजे और सबको बताती भी रही। अलमास, पहले हम आपसे पूछे, बाहैसियत एक माँ, एक बीवी, एक बहन बेटी, जब आप मतलब जब आपने सुना के ये वायरस आ गया, और फिर इसकी जो किस्म आप बताने जा रही थी अभी डेल्टा, और फिर उसके साथ इंडिया में जो बहुत ज्यादा हालात खराब रहे, मतलब पूरी दुनिया में हुए लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा हुए, तो जब जैसे हम सब ने सोचा, हम सब वहमात के शिकार हुए, लेकिन आपने इतना ज्यादा वहम ना किया, बल्कि हमारे सर्कल में सबसे पहले आपने जाके दौड़ के वैक्सीन लगाई और जिंदा है माशाल्लाह, मौलाना को सलाम। तो आप वहम क्यों नहीं आए, पहले आप बताएं आपने ब्रेवली स्टेप कैसे लिया? नहीं, वहम तो बिल्कुल हर इंसान को बिल्कुल वो है, और मैं वैसी वो भी नहीं हूँ जो डॉक्टर के चक्कर लगाती रहूँ या दवाएं ज़्यादा लूँ, मतलब मैं इस तरह की हूँ नहीं, लेकिन ये चीज़ ऐसी थी कि जिसमें हमें स्टेप लेना ही है, आज नहीं तो कल। मुझे ये पता है कि जिस तरह की बीमारी लग रही है और जिस तरह से अमेरिका और यूके का हमने कंटिन्यूस में देख रही थी कि क्या हाल हुआ, तो ये स्टेप आज नहीं तो कल लेना था, और मैं ये प्रिडिक्ट कर रही थी जैसे कि जो ऑस्ट्रेलिया में अब वेरिएंट आया, जब उस पर जब शुरू शुरू में मैं सबको बताया भी था कि ये आएगा यहाँ पर, ये फाइजर की, जैसे ही फाइजर का मुझे पता चला तो हमने, मैंने और मेरा बेटा जो माशाल्लाह से 18 इयर्स का है, मैंने दोनों ने, हमने दोनों ने रजिस्टर कराया अपने आप को, हम दोनों माँ बेटे साथ गए, और हमने फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड डे था जो सिडनी में लग रहा था उसमें मैंने लगाया है। हाँ, मतलब ये मैं बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने फौरन डिसीजन लिया। अच्छा अलमास, जैसे लोग जो खवातीन ये कहती है कि हम अपना डिसीजन जो है अपने हस्बैंड के बगैर नहीं ले सकते, और वो नहीं लगवा रहे तो हम नहीं लगवाएंगे, सो आपको आपके हस्बैंड ने नहीं डराया, या आपने डिसीजन पावर थी आपके पास? डिसीजन पावर तो मेरे पास हमेशा है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन द थिंग इज दैट इसके पीछे मोटिवेशन मेरे हस्बैंड का भी था, ये वो भी ये कह रहे थे कि नहीं लगवाना चाहिए, हम लोग का म्यूचुअल ये वो था
कि नहीं लगवाना है। बच्चों के लिए थोड़ा सा मुझे ये था कि अभी बच्चों का पता नहीं लगवाना चाहिए, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन मेरे मियाँ का था ये था कि नहीं, वी हैव टू टेक द स्टेप, लाइक अगर 18 ईयर्स का गवर्नमेंट अलाउ करिए तो वी हैव टू बिलीव। एक्चुअली समवेयर आपको कहीं ना कहीं बिलीव करना पड़ता है आपकी अथॉरिटीज पे, आपके साइंटिस्ट पे, आप इतना तो बिलीव, मतलब आई थिंक वी आर एजुकेटेड नाउ। हाँ, आपकी आवाज बंद हो रही है, शायद कोई फोन आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे दो चीजें आपको यहाँ पे बताऊं। हम या तो किसी जीपी को बुलाते हैं, किसी स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, और हम बात कर रहे होते हैं जरा मोटी मोटी। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम दोनों बैठे माँ की हैसियत से भी, एक आम पब्लिक की हैसियत से भी। अब मैं सवाल आप लोगों के बिहाफ पे करूंगी, पर आप भी अगर चाहें तो यहाँ सवाल अपने लिख सकते हैं। जो वैक्सीन लगाने में सबसे पहले कामयाब हो गई वो यहाँ बैठी हुई और हम बात कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन हमारे साथ है? राहिल अजमत लिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक है, हम दोनों ही हुई है ना। सैयद बिल्कुल आप ही बिल्कुल हैं, खुश अपना शफीक सैफ हो। हमारे साथ है, थैंक यू, यू आर गुड स्पीकर, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम सबको बोलना चाहिए, और जैसे इन्होंने कहा कि हम एजुकेटेड हैं और हमारे पास, मतलब हम लोग सोच लेते हैं, नहीं उनसे पूछेंगे उनके बगैर नहीं, आपने भी फैसला करना है। और घर की औरतें ही जो हैं अपने मर्दों को मोटिवेट करती हैं या अपने घर वालों को बताती हैं, और मेरे ख्याल में डिसीजन पावर होता है हमारे पास, लेकिन हम उसको खुद ही दबा रहे होते हैं, क्योंकि आपने अब आस पास के माहौल के हिसाब से देखकर ये फैसला करना है। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपने ये कैसे सोचा कि 18 ईयर्स की बेटे को लगवाएं, क्योंकि जो कंफ्यूजन आ रही थी, जो दो तीन किस्म की वैक्सीनेशन आई है उसमें कहा जाता था ये 14 ईयर्स से अबव के लिए है, ये 14 ईयर्स से जो नीचे है उनके लिए है, तो मतलब मैंने कम सुना था कि यंग एज के बच्चों को भी लगेगी। देखिए देखिए, आप पैनाडॉल भी खाते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप एक मेडिसिन को ही खाते हैं, आप ये है कि इसके बारे में र्यूमर्स ज्यादा हैं, जो मुझे है, मैं एज अ डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं तो मैंने जो हाँ रिसर्च किया एस्ट्राजेनेका का काफी मतलब जो सुने इन उसमें आए, और मेरे सारे फ्रेंड्स यूएस में हैं जिन्होंने लगवा लिया था फाइजर, तो और उनके छोटे छोटे बच्चों को भी लग चुका है, और नाउ दे आर फ्री, नाउ दे आर हाँ जस्ट लाइक दे आर ट्रैवल कर देयर, सकते सो वी हैव हैं। टू टेक द स्टेप। लाइक 60% ऑफ द पॉपुलेशन अगर लग जाएगा, इम्यूनाइज हो जाएगा, तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी ना। अब इट्स नाइट, इट्स 18 मंथ्स हो चुके हैं, अब हम लोगों को स्टेप लेना ही है, मतलब एवरीवन शुड टेक स्टेप नाउ, मतलब गेट रिड ऑफ दिस बीमारी। अब मतलब ये है कि अब हम लोगों को अगर अपनी ही तो कब, और ये हम कब तक लॉकडाउन में ऐसे होते रहे, ऐसे मतलब चलता रहेगा ये। तो मौत का एक दिन मुहैया है, जी नींद के बिल्कुल बाहर बिल्कुल बिल्कुल उससे बाहर निकलने के लिए। तो आपने 18 ईयर्स वाले के लिए क्या सोचा, वजह क्या थी कि आपने कहा इसको भी देखिए, लगवा? वो ज्यादा वनरेबल है, बच्चे ज्यादा निकलते हैं बाहर, और अब तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है वो बच्चों के लिए भी उतने ही नुकसानदेह जितना बड़ों के लिए, तो उनकी ज्यादा जान का हमें फिक्र होनी चाहिए बनिस्बत, बिकॉज बच्चे, मेरा बेटा जो है वो यहाँ के वो यूएनएसडब्ल्यू जाता है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसको एक्सपोज हो रहा था ज्यादा, तो हाँ मुझे ये था कि अगर मैं जितनी डेंजर में होती वो डेंजर में है, हाँ तो मेरी ये रीजन था। और इनफैक्ट अगर मेरे मतलब बच्चों को इतना ही अलाउ था, 16, मेरा जो दूसरा बेटा है वो 15 ईयर्स का हो रहा है दिसंबर में, तो अगर वो अलाउ होता तो मैं उसको भी लगवा देती, क्योंकि अच्छा यूएस में ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, 12 ईयर्स के बच्चे के ऊपर लग चुका है, लग सकता है, वैक्सीनेशन हुआ अच्छा है। अब ये दो दो चीजें आपकी गुफ्तगू से अभी सामने आई ना, कि आप अक्सर माए ये सोच रही हैं, यानी ये बात कर रही थी, नहीं नहीं हम अपने बच्चों को नहीं लगवाएंगे, क्योंकि एक उम्र ये भी है ना कि 2 साल बाद आप मर जाएंगे अगर वैक्सीन लगाई तो, मतलब देखिए चीजें आई हैं। लेकिन जो मरने को तो आप कोई भी दवा खा के भी मर सकते हैं, मरने का तो ये है कि इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन जो रिसर्च कहते हैं और उसपे जो आपको रिसर्च अगर आई जी है, जो नई रिसर्च आई है, और जो जी आज वो पढ़ें, आप आपकी डिटेल्स पढ़ें और उसके बाद आप डिसाइड करें, फैसला करें, और मेरे ख्याल में तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। हाँ, तो जो असल मतलब जो असली माँ का जो रूप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बच्चों की आगे की लाइफ के लिए भी फिक्र करे, और फिक्र यही है कि अगर वो बच्चे बाहर निकलेंगे तो ज्यादा एक्सपोज जी होंगे, बिल्कुल और जब बिल्कुल बिल्कुल वो चाहे वो ट्रैवल कर रहे हैं बाय ट्रेन, बाय बस, या शॉप पे जा रहे हैं, या कैफे जा रहे हैं, या यूनिट जा रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लम आएगी। तो अच्छा, अब अलमास आपने फाइजर की क्यों चुना, आपने डिसाइड किया कि फाइजर लगवानी है आपको? फाइजर ही बेस्ट ऑप्शन था इस वक्त यहाँ पर जो अवेलेबल था, मतलब दो ही एक्चुअली है, एस्ट्राजेनेका और फाइजर, और फाइजर इज अ बेटर ऑप्शन, जो रिएक्शन सुने हैं वो एस्ट्राजेनेका का, इसलिए
वी आर लकी कि अगर फाइजर यहाँ पर मिला था. मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एस्ट्राजेनेका ही लगवाई है. यूके में सारे लोगों को एस्ट्राजेनेका ही लगी है. तो मैंने इत्तेफाक से यहाँ पेनरिथ में 16 to 49 अच्छा, यानी आपको फिर आप उन लकी में लोगों में से थे जिनको फाइजर यहाँ पे मिल गई. अब तो शायद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अभी तो यहाँ फिर से रजिस्ट्रेशन आई थिंक एक मंथ का डिले आ रहा है मैंने जहाँ तक सुना है. तो एक मंथ का डिले मतलब वेटिंग है. हाँ, 1659 शमीम लिख रही है शमीम साहब. अच्छा आप मुझे बताइए कि एक तो मतलब हमने इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जो घर में बैठी हुई माएं हैं ना उनको भी बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाए कि देखिए आप किस तरह डिसीजन लेकर और फिर किस तरह आप स्टेप लोगे, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यानी अब आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है. मतलब जनरल पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन दें आसान लफ्जों में और फिर हम लिंक भी शेयर कर देंगे. देखिए न्यू साउथ वेल्स ऐप आई थिंक सर्विस ऐप जो है उस पर भी रजिस्ट्रेशन हो रहा था. अब मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है. मेरे पास तो लिंक था जो मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने फॉरवर्ड किया था जो NSW सर्विसेज आई थिंक वही है. बट एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती. ये वैसे न्यू साउथ वेल्स सर्विस ऐप पे है अवेलेबिलिटी. अगर आप हमारे साथ कॉपरेट करें. डॉक्टर शमीम आप यहाँ पे लिंक अगर सर्च करके कमेंट्स में शेयर कर दें तो लोगों के लिए आसानी हो जाएगी. अच्छा तो फिर आपने उस लिंक को क्लिक किया, अब आप उसमें एंटर हुई, अब आप बिल्कुल आम खवातीन है. हाँ, वो तो जस्ट आपके सारे डिटेल्स हैं, मेडिकेयर नंबर है एंड आपकी प्रेफरेंस क्या है, फाइजर एंड एस्ट्राजेनेका वहाँ दोनों ऑप्शन आ रहे हैं. मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि वो उसमें, लेकिन आई थिंक मेरा तो नेपियन हॉस्पिटल पेनरिथ की वो स्पेसिफिक पेनरिथ की रजिस्ट्रेशन की लोकल रेजिडेंस की एप थी. तो वो आई थिंक वो पूरी सिडनी के लिए वैलिड नहीं होगी वो. क्योंकि वहाँ इतने सारे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल थे वहाँ पर, तो इतना तो कोई डर नहीं थी मंडे जा रही हूँ. बचा लेंगे बहुत सारे लोग. लेकिन ये था कि हाँ पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, मुझे दर्द होगा, बॉडी पेन्स कह रहे थे लोग कि बॉडी पेन होता है या ऐसा कुछ होता है. फर्स्ट डोज के बाद तो बिल्कुल भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ. मैं आई वाज एट वर्क और आफ्टर दैट आफ्टर जैब मैं आई थिंक दूसरे दिन एंड उस दिन भी मैं वर्क कर रही थी और दूसरे दिन भी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. लेकिन आई थिंक फिर भेजा 3 हफ्ते के बाद दूसरा डोज जो लगा था उसमें थोड़ा सा बॉडी एक मुझे फील हुआ जो मुझे आई थिंक वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत वीकनेस हो रही है और मुझे थोड़ा सा बॉडी पेन हुआ. अच्छा मतलब थोड़ा सा हुआ या बहुत ज्यादा हुआ आपको? मेरा एक्चुअली आई थिंक मेरा जो है वो बर्दाश्त ज्यादा है तो मैं उसे थोड़ा ही कहूंगी एक्चुअली. अब डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से लेता है. लेकिन इट वॉज लाइक हाँ कि मतलब अच्छी ठीक ठाक था दर्द, मतलब बॉडी पेन था वो, मतलब लेकिन ऐसा नहीं था कि आप बिस्तर पे लेट जाएं. आई थिंक पैनाडोल इज वाज एनफ. अच्छा मतलब आपने ऐसा पेन था कि आपको लगा, या मैं खैर में नफसियाती असर भी होता है ना बार दफा के आए. हाँ नफसियाती असर भी कह सकते हैं. लेकिन नहीं वो थोड़ा ऐसा लग बॉडी एक था जैसे लग रहा था आपको थोड़ी कमजोरी हो रही है या वीकनेस हो रही है, ऐसे बुखार आने से पहले फीलिंग होती है उस तरह की फीलिंग बस दैट्स ऑल. और आपने पैनाडोल खाई तो उसके बाद आपको कितने दिन में ये फीलिंग खत्म हुई? नहीं वो तो बस आई थिंक 24 आवर्स तक बस मुझे फील हुआ उसके बाद दैट्स ऑल, कोई नहीं. अच्छा, उसके बाद फिर आप नॉर्मल अपनी उसी लाइफ. हाँ, दूसरे दिन दूसरे आई थिंक सेकंड डे आई वाज वर्किंग बताएंगे क्या था. लेकिन मतलब ऐसा मुझे कोई ज्यादा फीलिंग ऐसा नहीं हुई. और मेरे तो सब पूरे खानदान वालों ने, दुबई में मेरी सिस्टर है उसने भी, उसने आई थिंक किसी ने कोई कंप्लेन ऐसी नहीं की कि कोई ऐसा बहुत ज्यादा तकलीफ हुई हो या किसी को परेशानी हुई हो. अच्छा उसको लगाने के बाद आपने क्या तब्दीली आई है ये बताइए. मैं सुपरमैन बन गई हूँ.
मैं स्पाइडरमैन मैंने दीवारों पे चल रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चल हुआ, ऐसा कुछ नहीं। कुछ होने वाला है, लेकिन नहीं वो गुरूर की रपक आ गई कि मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ। अक्सर मैं अलवाज से कहती नजर आती हूँ, मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ। हाँ, और आई एम कोविड सेफ एक्चुअली, आई फील मोर कॉन्फिडेंट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मतलब ये एक वाकई एक कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि आप अब आपको अगर होगा भी तो, अच्छा ये भी गारंटी नहीं है कि आपको नहीं होगा, ये तो किसी की, ये तो बिल्कुल नहीं, और सीवियरिटी की भी आप कुछ नहीं कह सकते, बट स्टिल आई एम लाइक इन सेफर जोन। हाँ, कंटेंट इन्फ्लुएंसर को कॉपी, थैंक यू गजल। अच्छा, सो मतलब ये जो मैंने सुना है अब तक जो डॉक्टर्स कहते हैं, हम आपके लिए फिर किसी डॉक्टर को भी इनवाइट करेंगे कि आपके मुझे सीवियर नहीं होंगे, जो रिएक्शन है वो सीवियर नहीं होगा अगर आपको वायरस दोबारा से चिमट गया। हाँ, तो ये रहे, जी जी है ना, एक ये कॉन्फिडेंस हो गया आपके आपके अंदर। अब आप बताएं कि वो जो आप मोटिवेशन हम सबको दे रही थी ग्रुप में, तो ये बेड़ा उठाया है सारे जगह का दर्द हमारे जिगर में है, तो आप यहाँ क्यों मोटिवेशन दे लोगों को कि क्यों जरूरी है हम लोग इस, जब आप डिप्रेशन में आते हैं इस लॉकडाउन से। अलमास को डिप्रेशन होता है, अलमास को डिप्रेशन हुआ कि मैं लॉकडाउन में बैठ गई फिर से? डिप्रेशन तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लोनलीनेस तो जाहिर है होती है कि हम लोग वो पार्टियां, वो जो हम लोग गेट टुगेदर अपने मिस कर रहे हैं, हर सैटरडे हम लोगों के ही घूमना, और वो जाहिर है मिस कर रहे हैं, और मैं तो सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स को मिस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से लॉकडाउन खुले और अम्मा अब्बा से मिलूँ मैं जाके, तो सबसे ज्यादा मेरा सिर्फ स्टेप यही था कि मैं इनिशिएटिव लूंगी तो और लोग शायद, मतलब हर कोई अगर ये सोचता रहेगा कि पहले वो लगवा ले, जबरदस्त, ये तो फिर कभी कभी नहीं, ऐसे कोई पहल नहीं कर सकता, तो ये हैव टू टेक इनिशिएटिव। हां, सो आप उनमें से हैं वो शहीदों में जो नाक भर रहे हैं आगे आपके कुतौरते, लेकिन आपकी बात कितनी अच्छी है कि आप अगर तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने पास तब्दीली लानी है, और आपने जिहाद करना है तो आपने पहले अपने साथ अपनी जात से जिहाद करना है, तो अलमास ने जिहाद कर लिया, अब आप सब लोगों ने भी शामिल होना है इस जिहाद जिहाद के अंदर। तो अलमास आपको क्या लगता है, अब हम आते हैं जरा इस सियासी रुख की तरफ, एनएसडब्ल्यू में जो अचानक लॉकडाउन हुआ और कल भी जैसे अराउंड 45 बढ़ते जा रहे हैं ना, मतलब कम होने के बजाय हम ये देख रहे हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो यहाँ पे आपको नहीं लगता गवर्नमेंट का फेलियर है कि वैक्सीन इतनी तेजी से ये फराहम नहीं कर सके डिफरेंट एरियाज में, जबकि लोग अब मोटिवेटेड थे, लोग अब लगवाना चाह रहे थे, सो ये क्यों नहीं हो पाया, आपको क्या लगता है, एहतजाज नहीं करेंगे इसमें आप लोग? यहाँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठी हूँ, डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर आप अपने मुल्कों से कंपेयर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम लोग बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, जो जिस तरह से हम लोग को वैक्सीन लगाई जा रही थी, मैं इन 30 मिनट्स, इतने लंबा 100 लोग थे वहां पर तकरीबन उस हॉल में, जिस पर दो क्यू में, और मैं आधे घंटे में फारिग होके अपने घर वापस आ गई थी। तो ये है कि लोग मोटिवेट हों, और अभी जितनी लोगों को जितनी प्रोवाइडेड थी 60 से ऊपर एस्ट्राजेनेका लगनी है, उतने ही लोग भी नहीं पहुंचे, अभी 9% ऑफ द पॉपुलेशन इज लाइक स्टिल अब वैक्सीनेटेड हुई है, तो 9% इज टू लेस। आई थिंक लोगों को लोग स्टेप लें, और अब तो खैर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है शायद कह रहे हैं, लेकिन जहां पर भी अवेलेबल है प्लीज करें। बड़ी लंबी क्यू है, क्योंकि फाइजर के 300,000 आई थिंक फिर से ऑर्डर हुए हैं, वो मैं स्कॉट मॉरिसन का वो देख रही थी इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर का, के तो वो शायद अभी अभी अवेलेबल नहीं है वो, तो ये तो गवर्नमेंट पहले तो एस्ट्राजेनेका का वो कर रही थी, लेकिन जब उसके रिएक्शंस आए तो रोल ओवर, तो हमारा जाहिर डिले हुआ है, as compared to different countries, हमारे वैक्सीनेशन लगने का प्लान नहीं था ना फाइजर का, एक्चुअली फाइजर का प्लान, गवर्नमेंट का प्लान नहीं था कि फाइजर लगेगी, हमें तो एस्ट्राजेनेका लगनी थी, लेकिन जब उसके रिएक्शंस आए पता चले तो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए, हमें तो ये खुश होना चाहिए, आई थिंक इट्स माय पर्सनल व्यू, मेरा इसमें कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, बट मेरा पर्सनल व्यू ये है कि हमें फोर्स नहीं किया गया कि एस्ट्राजेनेका लगनी है, ऑल्दो कि एस्ट्राजेनेका ऑलरेडी अवेलेबल थी ऑस्ट्रेलिया में, सो वी शुड बी हैप्पी फॉर दैट, एक्चुअली थिंक पॉजिटिव। अच्छा, अब आप क्या मशवरा देंगी, मतलब हुक्काम बाला को, गवर्नमेंट के इदारों को क्या मशवरा देना चाहिए, जो कि हम सबको कम्युनिटीज के, हम जितने भी लोग हैं हम सबको लेटर्स लिखने चाहिए
और ये बहुत आसान होता है, कभी इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, उस बैठे रहते हैं कि कोई और हमारे हक के लिए आवाज उठा ले, हमें खुद भी बोलना चाहिए अपनी एडवाइस। मेरा तो ख्याल ये है कि ऑब्जेक्शन करना बहुत आसान होता है एंड जस्ट हेल्प, इस वक्त क्रिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं है। जस्ट टेक अ स्टेप, हेल्प एज मच एज पॉसिबल एंड और मैं कुछ मतलब मुझे नहीं और मतलब कुछ समझ में आता, क्योंकि क्रिटिसाइजिंग इज वेरी इजी एंड ऑन द ग्राउंड सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, तो फिर हमें जैसे हम लोग अभी डिस्कस करें कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं या हमारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें हम इसकी अफादियत के ऊपर बात करें, इन स्टेप्स पे बात करें। जैसे आज हमने ये इनिशिएटिव लिया, हमने कहा अलमास आए अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और बड़ी ब्रेव लेडी हमारे ग्रुप में से इन्होंने सबसे पहले और इनकी वजह से हम सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। आप क्या समझती हैं कि एज सून एज पॉसिबल सब वैक्सीनेटेड हो जाएं, बॉर्डर्स खुल सकें, कारोबारी जिंदगी, लोगों के बिजनेस बहुत बंद हो रहे हैं, हमारे हम अपने पेरेंट्स से अपने लोगों से मिल सके, उसके लिए क्या करना चाहिए स्कॉट मॉरिसन की गवर्नमेंट को कि लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाए? देखिए यहाँ ह्यूमन राइट्स का इतना ज्यादा वैल्यू है कि यहाँ पर फोर्स तो कर नहीं सकते, लेकिन ये जो है अब देखिए हाँ, बच्चों का जो हमारा वैक्सीनेशन होता है वो तो हमें इन्फोर्स कर रही है ना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड एट सम लेवल, मुझे लगता है कि इनको गवर्नमेंट को ये इन्फोर्समेंट इन्फोर्स करेंगे, आई थिंक करेंगे आगे, ये होगा। अब जैसे NDIS के वर्कर्स को अब जरूरी हो गया, मैंडेटरी हो गया, हेल्थ वर्कर्स मैंडेटरी हो गया है, इसी तरह से टीचर्स आई थिंक जो भी पब्लिक फेसिंग पीपल जो अपना आप एसेंशियल वर्कर्स हैं तो उनको तो लगवाने ही होगा मेरे ख्याल में। लेकिन ये गवर्नमेंट हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है इतनी कि हम सोच रहे हैं, लेकिन आई थिंक वी शुड टेक डिसीजन। और आपका पॉइंट वैलिड है, जैसे बच्चों के एडमिशन नहीं होते चाइल्ड केयर में भी अगर डालना है आपको, आपको सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है, सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, तो ये तो आपको उस वक्त आप लगवाते हैं, आप सब लगवाते हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा और कोई रूल बनाना पड़ेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएं, और क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी तो पहला स्टेप तो रजिस्ट्रेशन करवाना है, वैक्सीनेशन मिलती है कि हमें नहीं मिलती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद वैक्सीनेशन मिलेगी इंशाल्लाह, जरूर मिलेगी, और आई होप आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इंशाल्लाह ऐसे नहीं आपको रहने देगी डेल्टा वेरिएंट के साथ, बिकॉज़ इकोनॉमी भी इफेक्ट हो रही है इससे और बहुत कुछ मतलब स्टेक पे लगा हुआ है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, हम आम पब्लिक की हैसियत से अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन कहा कि इसलिए लगाएंगे, बस फौरन हम भागेंगे, हम इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश हम जाएंगे फौरन ही, तो आपको लगता है कि इस वक्त हमें ये सोच रखनी चाहिए या हमें अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जो बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं लोग जाने के लिए, और बस तो स्पेशल परमिशन लेके बहुत एक्सपेंसिव टिकट पे भी गए हैं, और मेरी एक दोस्त वहां गई भी है और जाते ही उसने शादी अटेंड करी, और शादी अटेंड करते ही पांचवें दिनों से पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है। ओके, तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई आप रिस्क लें तो प्लीज कैलकुलेटेड रिस्क लें, क्योंकि कोविड तो अगर वैक्सीनेशन के बाद भी आपको हो सकता है, लेकिन सिवियरिटी इतनी नहीं होगी फिर ये मतलब जो पता चला है, जो हमने पढ़ा है और जो डॉक्टर्स ने बताया है, सो आई थिंक टेक रिस्क बट कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, हर चीज आपकी आप सोच समझ के करें, और बॉर्डर खुलना तो अब जरूरी है, मतलब कब तक आप ऐसे कैद रहेंगे, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, तो ये आपको गेट वैक्सीनेटेड एंड जस्ट गेट फ्री, लाइक जैसे US में हुआ है, US में सब छुट्टियां मना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। अच्छा, बॉर्डर खुलेंगे तभी ना तब हम सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, अगर हम वैक्सीन ही नहीं लगवाएंगे तो सो अब आपको अपने अपने एरिया में अपने अपने दोस्तों से बात करनी है, तो अलमास कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जरा लोगों को गाइड करें कैसे मोटिवेट करें। Because you are the one who I motivated. Exactly. मेरे हस्बैंड ने पहले तो मुझे बहुत डराया था कि ऐसे हो जाएगा, नहीं नहीं हमें जरूरत नहीं है, हम लेकिन फिर उनके अमेरिकन फ्रेंड ने उनको बिल्कुल यही बात कही, जॉब ने कहा कि हम फ्री हैं, अब हम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, और उसके बाद वहां पे अमेरिका में तो बहुत बुरी हालत थी लेकिन वहां पे कंट्रोल हुआ, मेरी अपनी सिस्टर ज्यारतों पे गई हुई है करबला, मतलब मैं हैरान रह गई कि सब लोग जा रहे हैं फिर से, हम नहीं जा पा रहे, तो हमारे लिए यही है जरूरी कि पहले हमें अपने आप को वैक्सीन लगवानी। बिल्कुल, सो अब क्या मोटिवेट करें, कैसे मोटिवेट करना चाहिए हम लोगों को क्या कहना चाहिए आप पहले से पूछे, कैसे आपको वैक्सीन लगी कि नहीं, आपको कोविड तो नहीं हुआ, क्या पूछे पहले
नहीं ये तो तुम बता सकती हो बेहतर, बट मोटिवेशन मैं यही कहूंगी कि get vaccinated and get out of this lockdown and get out of this fear. अच्छा अब बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, अब बिल्कुल कैलकुलेटेड हमने सारी बातें कर ली है, कोई बात पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। अलमास ईद आ रही है, अब क्या करेंगे तो नए कपड़े पहनकर जाएं कहां और बाल बनाएं किसके लिए? हाँ बस अब आप ऐसे ही जूम मीटिंग करके और सेलिब्रेट करें और अपने अपने घर खाना खाएं, बस यही है। अपने अपने घर खाना खाएं तो पार्सल भेजने की भी सहूलत नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? कोई ऑप्शन है ऐसा कि हम कुछ करें? नहीं आप मेरे ख्याल में तो टेक अवे अलाउड है और आप इधर उधर मेरे ख्याल में खाना तो आप दे सकते हैं। आप बिल्कुल बना के आप खाना भेज सकते हैं और मेरे घर बिल्कुल आप बोल के। अच्छा अब मैं यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको आप किसी को खाना या कोई भी अद्वियात उसी सूरत में दे सकते हैं, या वो डिसेबल है या उसको कोई बीमारी है या इस तरह exactly, हाँ. नहीं दे सकते, तो मजाक की बात कर रहे थे, लेकिन अगर जब खुल जाएगा तो हम लोग ना डिब्बे करेंगे लेकिन अभी है हम लोगों को आगे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, जैसे अभी हमने पीए के प्लेटफॉर्म से शुरू किया है कि जितने भी वो लोग जो ज़ईफ़ हैं, ओल्ड एज में हैं, उनको मेडिसिन या ग्रोसरी प्रोवाइड करनी है तो वॉलंटरी हम ये काम कर रहे हैं, कोई किसी भी एरिया का है अगर आप चाहें तो आप भी वॉलंटियर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और उनके पास खाना या तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पहचान टीवी से भी, और हम लोग आपकी अद्वियात तक पहुँचाएंगे। आखिर में कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें तो अलवाज। थैंक यू, बिल्कुल आपको आपने मुझे बुलाया और मैं बिल्कुल सबको मोटिवेट करना चाहूंगी, बिल्कुल ना डरे, आई थिंक कोई डरने की बात नहीं है और मुझे कोई भी फीलिंग ऐसी नहीं है, मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ही इज आल्सो फाइन, कोई घबराने की बात नहीं है। ये वैक्सीन एक रिसर्च ओरिएंटेड और मतलब रिसर्च की हुई हमारे साइंटिस्ट पे और हमारे डॉक्टर्स पे, सबको लग चुका है और ये एक साल हो चुका है अब तक, खुदा ना करे कोई वर्स एडवर्स रिएक्शन होना होता है तो वो फौरन होता है, सालों बाद रिएक्शन ऐसे नहीं होते हैं कि आप मतलब खुदा ना करे मर जाएं, जैसे 2 साल के बाद लोग कह रहे हैं कि वो ये सब जहालत है। वॉक करते कितने अलमास से बात कर रही थी, अलमास से बड़ी खूबसूरत बात अभी आफ्टरनून में कही कि सारे डॉक्टर्स को लग गया है, सबसे पहले तो वो जो फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले निकले उनमें डॉक्टर्स नर्सेस, तो मैं वो सभी मर जाएगी फिर तो हम क्या हमारे इलाज कराने वाला कौन होगा, इतना बड़ा रिस्क ऐसे थोड़ी ले सकते थे। सो ये हम 2 साल में कहीं नहीं मरने वाले, उसकी रजा होगी तो हम चंद सेकंड्स का नहीं पता हमारे। एग्जैक्टली आप कुछ भी आप पानी से फंदा रख के मर जाते हैं लोग, तो मरने का तो कोई वो नहीं है, इसके लिए डरना नहीं चाहिए और अल्लाह है ना, और अल्लाह ने ये कहा है कि आप रूल ऑफ द लैंड मानना है हमको, हमारे इस्लाम में ये है तो आई थिंक जहाँ की जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के आप रूल्स फॉलो करें, हर कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मैं मतलब इसमें बिल्कुल इंसिस्ट करूंगी कि जो अब लॉकडाउन है तो उसको फॉलो करें रिस्ट्रिक्शंस और टेक केयर, दैट्स ऑल, छोड़ने की कोशिश ना करें। अच्छा बिल्कुल नहीं, ख्याल आया कि मुझसे जल्दी से मैं एक और सवाल कर लूं कि आपके 18 इयर्स के बेटे को कुछ हुआ? नहीं उसको कोई भी मतलब उसको भी वही एक्चुअली सेकंड डोज के बाद थोड़ा सा उसको भी फीलिंग हुई कि वो कह रहा था मम्मा आई एम टायर्ड, बट ऐसा कुछ नहीं, उसको भी सर में दर्द हल्का सा वो कंप्लेन किया उसने, बट दैट्स ऑल। और उसके बाद आपको घबराहट ज्यादा होती है या ये हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, रेगुलर जो जैसे आपकी मतलब आप ज्यादा काम कर ले तो थक जाए वो चीजें रेगुलर? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं मुझे फील हुआ। हाँ सो एक ऐसा बंदा जिसको वैक्सीन लगी है वो आपके सामने बैठा हुआ है, उसने सबसे पहले डिसीजन भी लिया, उसने सबको मोटिवेट भी किया, तो अब मेरे ख्याल में आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना होगा। मैं पहले जी मैं एक बार बता दूंगी, 27 मई को मुझे लगी थी, तो अब नाउ इट्स 1 month हो चुका है, सेकंड डोज भी मुझे लग चुकी है, अभी 6 जून को शायद सेकंड डोज लगी है मुझे, तो इट हैज बीन मंथ, मतलब तो इसलिए बिल्कुल फील फ्री, आराम से, घबराए नहीं हर कोई, मैं तो सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब जैसे राहिल अजमत लिख रही कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं होगी, बिल्कुल सही है, एक ईमान आपका पक्का होना चाहिए तो फिर आपकी आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ जो अलमास ने कहा कि जो आपके साइंटिस्ट हैं उन्होंने बड़ी
अंत तक मेहनत करके रिसर्च करके आपके लिए ये चीज इसलिए निकाली है ताकि आप इस बीमारी से निजात हासिल करें, मतलब बीमारी नहीं जाएगी, बीमारी यही रहेगी लेकिन आपके पास उसकी दवाई मौजूद होगी। जैसे कि बहुत सारी वैक्सीन, मतलब माजी में भी बहुत सारे इस तरह के वायरस आए और वो टाउन टाउन ही कहते हैं ना उसको, वो आया बहुत सारी, वो आपने मिजल्स की बात की, चिकन पॉक्स की बात की, चिकन पॉक्स मिजल्स है, इन्फ्लुएंजा है, आप देखिए, और आप ट्यूबरक्लोसिस है, हम सबके वैक्सीनेशन लगवाते ही है। हाँ, लगवाते बच्चों को वहीं से ट्रीट करना शुरू कर दिया जाता है, जैसे फायदा होता है। सो ये भी फिर हरफे आम में इसको भी कहा जाएगा, एक जमाना था उसमें ये आया, अभी शायद हम लोग पैनिक ज्यादा हो गए थे लेकिन अब बहुत सारी इसके जो सोल्यूशन आ गए और मुख्तलिफ कंट्रीज ने जिस तरह जो कहते हैं ना जो इकदाम किए हैं उससे अब हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए कि अब हमें क्या करना है। इतने मेरे ख्याल में डरना बंद करें, आपने टाइम निकाला और इस लॉकडाउन में एक हवा का मैं कहती हूँ खुशगवार झोंका बनकर आप आई, आपने मोटिवेशन दी और दिन रात आपकी मोटिवेशन हमारे साथ है और आपकी मोटिवेशन की वजह से न जाने कितने सारे लोग जो है वो यहाँ वैक्सीन लगाएंगे। इस प्रोग्राम को आपने शेयर करना है दूसरे लोगों के साथ भी कि देख लीजिए डरने की बात कोई नहीं है, आम आवाम या जनता क्या सोचती है और क्या अमल करती है, आपका अमल आपके अमल से आपकी फैमिली की जिंदगी बड़ी स्मूथ गुजरेगी। ये आपने सोचना है कि आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, कैसे करानी है, दुनिया में कहीं पे भी किसी मुल्क में भी आप रहते हैं, कोरोना वायरस से निजात का वाहिद हल है वैक्सीन, इसके ऊपर खास तौर पर आपको गौर करना है और इसके ऊपर आपने अमल करना है, फैसला करना है, आपका फैसला आपके हाथ में है। लेकिन याद रखिए कि आपकी वजह से कोई और इस बीमारी का शिकार ना हो, इसलिए भी आपको वैक्सीन लगानी है। अपना बहुत ख्याल रखें, देखते रहिए पहचान टीवी, इंशाल्लाह फिर हम किसी नए अच्छे और इंफॉर्मेशन के साथ किसी और गेस्ट को लेकर आएंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।